अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, बखैर आगले। आज का दिन स्टार्ट हुआ है, सुबह सुबह हो गया था स्टार्ट, लेकिन ये है कि मेहमान आ गए थे और फिर उनके साथ बिज़ी हो गए। ये अभी बन रही है असाइनमेंट, क्योंकि अब कल से बैक टू यूनिवर्सिटी लाइफ, तो आपको साथ साथ यूनिवर्सिटी भी लेके चलेंगे। तो अभी आज तो फ़िलहाल यही काम चल रहा है। अच्छा जी, आज बन रही है हमारी किचन में मेरी फेवरेट डिश, ओह माय गॉड, ये बनी थी लगी भिंडिया, और बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं कैसी बनेगी। अच्छा जी, अब हम तैयार हो गए हैं। तैयार होने के बाद सबसे पहले हम गए ड्राई क्लीन वाली शॉप पे, वहाँ पे मैंने अपना एक मेहंदी का ड्रेस दिया ड्राई क्लीन के लिए, क्योंकि कल मेरे कज़न की मेहंदी है तो उसमें मैंने पहना था। आपको मेहंदी पे भी ज़रूर लेके चलूँगी। ड्राई क्लीन वाली शॉप से फ्री होके हमने कुछ ड्रेसेस चेंज करवाने थे, तो हम सेंटोरस चले गए। और सेंटोरस के रास्ते में आप देख सकते हैं, ये वाली ड्राइव मेरी मोस्ट फेवरेट ड्राइव है, क्योंकि रोड खाली होता है। ये सामने आपको शावीर जाफरी नज़र आ रहा होगा, और मुझे भी बहुत पसंद है ये शावीर जाफरी और इसके ब्लॉग्स। अच्छा, हम लोग ये अब आ गए अंदर सेंटोरस के। इसकी एंट्रेंस भी बहुत खूबसूरत है। ये जो इस्लामाबाद आता है बंदा, उसके लिए ये एक जगह घूमने वाली है सेंटोरस। वैसे ये एक शॉपिंग मॉल है, लेकिन यहाँ पे लोग बाकायदा तैयार होके आते हैं। इस शॉपिंग मॉल ने ना अपना एक नाम बनाया है, ये एक ब्रांड बन गया अब। ये जी चेक करें, टूरिस्ट बस, और ये अभी यहाँ यहीं पर आ रही है, सेंटोरस में ही आ रही है। और यहाँ पर मुझे लगता है आज बहुत सारी रश होने वाली है, तो देखते हैं। ये देखिए जी, करीब से टूरिस्ट बस का लुक, मतलब कितनी खूबसूरत लग रही है ये। आप यहाँ पे इस तरह की बसेज़ अगर देखें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये फॉरेन कंट्री की बसेज हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी ये जी। हम लोग आगे बोनांज़ा में, ये और जे डॉट ऐसा ब्रांड है जो आपको 24/7, मतलब आपके किसी भी सीज़न में चले जाएँ ना, आपको यहाँ पे रश मिलेगी। अभी मैं यहाँ से ईद से ज़्यादा बेहतर अभी ड्रेसेस आए हैं इसमें, और ड्रेसेस वाकई में बहुत प्यारे थे। आप कलर देख सकते हैं, मतलब बहुत खूबसूरत। सेंटोरस आए और मिरर सेल्फी ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। ये हम आए हुए हैं यहाँ पे जूते लेने के लिए, और मिजाज खुदा जो है वो वॉशरूम में है, जो निकल ही नहीं रहे। जूते हमें पसंद नहीं आए, लेकिन थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने कर ली है। अगर भाई आपने खाना खाना हो और आप बस टाइम काम हो गए, कुछ सर्विस बहुत ज़्यादा, यानी आप मैकडॉनल्ड्स आ सकते हैं। यहाँ पे आप इनका स्टाफ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा है, और क्विक सर्विस है। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और खाना आपके सामने होगा, एज़ कम्पेयर टू OPTP और KFC। वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, तो मुझे इनकी सर्विस बहुत पसंद है और इनके मील्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी, ये वाहिद सूप है जो मैं सर्दी गर्मी दोनों में पीती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ जी, ये मेरे शोहर अपना फेवरेट खाना खाते हुए मैकडोनल्ड्स McDonald's फ्रॉम सेंटोरियस मॉल। ये तो मैं अपनी अम्मी से बहुत दूर थी इस मदर्स डे पे, तो मैंने उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ भिजवाया यहाँ पर, और आपको रिएक्शन भी दिखाती हूँ उनका। हैप्पी मदर्स डे। अस्मा खान, बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह पाक तुम्हें सेहत दें और खुशियों भरी ज़िंदगी दें बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अभी हम जा रहे हैं, हमने सोचा कि एक अच्छा सा केक लेने मदर्स डे पे। वैसे तो मदर्स डे अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन टाइम ही अभी मिला है, और अभी हम बस केक लेने जा रहे हैं। एवरी डे इज़ मदर डे, क्योंकि जिनकी अम्मियाँ जिंदा हैं और हर दिन ही माँ का दिन होता है, तो ये टाइम भी चोंच नहीं है, बस केक लेके काटना और थोड़ा उनको स्पेशल ट्रीट करवाना, क्योंकि उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो यू नो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बैकग्राउंड पे चल रहा है 90s का म्यूजिक। जी, अभी हम आए हैं तहजीब, और यहाँ से अभी देख रहे हैं कि क्या चीज़ हमने कंफ्यूज हैं, केक लें या पेस्ट्रीज लें, क्योंकि केक इतना खाया नहीं जाता, पेस्ट्री ज़्यादा खाई जाती है, तो देखते हैं क्या लें। जी, हमने सेटिंग कर ली है, क्या करने वाले हो, चलो अंदर। नहीं नहीं आए, ठीक
केक भी बहुत मजे का नहीं था, तो मैंने कहा अलग अलग नहीं, ये तो मदर्स डे का है ना, फादर डे क्यों काट रहे हैं? क्लैपिंग। हैप्पी मदर्स डे। सब उठाओ, पेस्ट्री तभी लाई हूँ, एक एक उठाओ और खाते रहो। अच्छा जी, दिन ख़त्म हो गया और शदीद थकावट हो रही थी, तो मैंने कहा चलो गर्म पानी डाल के ना उसमें पैर डिप करती हूँ, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अब मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा थक जाए ना पानी के, तो थोड़ा सा नमक डालें और पैर डिप कर लें, बस फ्री टिप। ठीक है जी, शुभ खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ब्लॉग आज यहीं पर करते हैं ख़त्म। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।